छंद उनचालीस तन से हमें क्या वास था शरीर तो सबके साथ है ज्ञानी अज्ञानी के साथ और जिसका जीवन जब तक रहता है तब तक साथ शरीर बना रहता है जीव और शरीर का साथ साथ रहना यही तो जीवन ही है जीवन में तो कुछ और है नहीं जीव और शरीर कहना चाहिए शरीर में जीव का उपस्थिति काल जीवन तो शरीर तो है लेकिन ज्ञानी शरीर में रहते हुए भी अपने को उससे पृथक समझता है समझे या न समझे पृथक है ही शरीर क्योंकि एक दिन छूट जाएगा ज्ञानी की क्या दृष्टि होती है इस बात को इस पूरे छंद में बताया गया मैं नित्य अविनाशी स्वयं तन मन विषय सबनाश है माता पिता नारी सुता मेरे न कोई खास है मैं भटकता ही भटकता आया निकल इस रास्ता हमको सभी अपना कहें तन से हमें क्या वास्ता मैं प्रत्येक घट में मैं कहने वाला जो चेतन है वह नित्य अविनाशी स्वयं अपने आप और तन मन सब नाशवान दृश्य है जितना भी दृश्य है सब नाशवान है माता पिता पत्नी पुत्र भाई बंधु जीव का कौन है शरीर संबंध से ये सारे नाते रिश्ते बन जाते हैं शरीर छूटा सब नाते रिश्ते खत्म जीव का नात न कहो से जानो सदगुरु विशाल साहब ने मुक्ति द्वार में एक पद कहा है कि जीव का नात न ना का होते जान जीव का नाता किसी से नहीं सारा नाता शरीर संबंध से है तो माता पिता पत्नी पुत्र भाई बंद जीव का कोई नहीं है कुछ नहीं है विषय पथ में चलते चलते कर्म पथ में चलते चलते भटकते हुए जीव आज इस मनुष्य शरीर में आ गया है मनुष्य शरीर में आ गया कोई बच्चा जन्म लेकर के आ गया कहते हैं हमारा भाई है हमारा बेटा है हमारा ये है तमाम रिश्ते बन जाते हैं है, हमारे ये हमारे वही कोई मनुष्य हो उसका कोई एक रिश्ता जोड़ना चाहे तो कहाँ से जोड़ेगा वही मनुष्य है किसी का बेटा है तो किसी का पिता है किसी स्त्री का पति है तो किसी स्त्री का पुत्र है किसी का भाई है किसी का साला है किसी का जीजा है किसी का भांजा है किसी का मामा है कौन रिश्ता है जीका? तो तमाम रिश्ते बन जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि हमारे ये है हमारा वो है लेकिन शरीर से हमें क्या प्रयोजन शरीर है बन गया है बस प्रा खत्म हो जाएगा छूट जाएगा जीव जैसा अकेला वैसा रह जाएगा मैं भी प्रथम तो भूल कर अपने को ही तन मानता गुरु की दया से भूल नाशी तन विजाति जानता के विजाति कोट में संदग्ध होकर गांसता कि सदगुरु अब लो छुड़ा तनते हमें क्या वास था मैं भी हर जीव पहले अपने आप को भूल कर भूल दृष्टि रहती है शरीर दृष्टि रहती है तो अपने को शरीर मानता है कि मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा स्वरूप है लेकिन सदगुरु मिले संत मिले उनके द्वारा ज्ञान बोध मिला तब पता चला कि शरीर तो मुझसे अलग है गुरु की दया से ज्ञान मिला तो भूल भ्रम समाप्त और ये पता चला कि शरीर विजाती है मेरे अपने स्वरूप में शरीर है नहीं कर्माध्यास वश तत्वों से निर्मित हो गया है लेकिन ये विजाती कोट अपने से जो पृथक है इसके चक्कर में पड़कर इसी में कैद होकर के हम नाना प्रकार से जलते रहे शारीरिक मानसिक ताप में पीड़ित तो होते रहे आधी पीड़ित तो हो रहे हैं इसलिए साधक कहता है कि हे सदगुरु मुझे विजाति कोट शरीर की आसक्ति से बचा ले छुड़ा ले क्योंकि अब शरीर से मुझे क्या प्रयोजन रह गया चमड़ी व नाड़ी केश हड्डी मांस पृथ्वी तत्व के बहता पसीना लार मूत्र खून बिंदु जलत्व तो के पुणि भूख आलस प्यास जमुहायी निद्रा वास प्रकृति अग्नि की दिखे तो से हमें क्या वास्ता शरीर में जो लगे हुए अवयव हैं उनमें शाम नाड़ी बाल हड्डी मांस ये पृथ्वी तत्व के कार्य हैं। और पसीना लार मूत्र खून वीर ये जल के कार्य है भूख आलस प्यास, जमहाई निद्रा ये सब अग्नि के कार्य अग्नि के की प्रकृति हैं इसमें से मैं स्वयं कौन हूँ जीव न चाम है न ना नाड़ी है न ना बाल है न हड्डी है न मांस है न पथीना लार मूत्र खून रक्त वीर्य है न भोग प्यास आला जमा निद्रा है इस शरीर के अवयव हैं प्रकृति हैं अवस्था है इनमें से जीव कुछ भी नहीं है धावन चलन बोलन पतारन और पुनः संकोचना प्रकृति चंचल वायु की होती क्रिया तन ढोवना पुण्य काम क्रोध और लोभ मोह और भय वृत्ति चित दृष्टा सदा इनका रहा तनसे हमें क्या वास धामन दौड़ना चलना बोलना पसारण फैलाना हाथ आदि को संकोचना समेट लेना ये सब चंचल वायु की प्रकृतियाँ हैं और इनसे ही फिर इन्हीं शरीर में तमाम क्रियाएं होती रहती है शरीर का व्यवहार चलता है काम क्रोध लोभ मोह भय ये मनोविकार हैं इसको लोग कह देते हैं कि स्थिर वायु या आकाश की प्रकृति लेकिन काम क्रोध लोभ मोह भय ये प्रकृति नहीं है मनोविकार है क्योंकि प्रकृति का जो प्रकृति कहे गए है उसका नाश नहीं होता ज्ञान हो जाए तो चाम चाम का हड्डी का बाल केस का मांस का तो नाश होगा नहीं ज्ञान हो जाए तो कब थूक लार वीर पसीना इनका भी नाश नहीं होगा आलस भूख प्यास निद्रा जम्हाई आना जाना चढ़ना फिरना इनमें किसी का नाश नहीं होगा लेकिन ज्ञान होने पर संयम द्वारा साधना द्वारा काम फूल लोभ मोह भय इनका त्याग किया जा सकता है और इनका नाश होता है तो प्रकृति कैसे ये मन के विकार है जीव इन सब का सदा दृष्टा रहा है आज भी दृष्टा है लेकिन अपने दृष्टापना को भूल जाता है इसलिए इनको ही अपना स्वरूप मान लेता है शुद्ध दृष्टि से देखें तो शरीर से हमारा क्या प्रयोजन है कुछ भी नहीं जड़देह के सामान में कुछ भी नहीं हूँ जान लो तंदृश्य से दृष्टा पृथक निज रूप को पहचान लो यदि पांव दोनों कट गए फिर भी रहा मैं शास्ता पुनः हाथ कटने पर रहा तन से हमें क्या वास्ता जड़ शरीर में लगे हुए जितने भी अंग हैं अवयव हैं उनमें से जीव कुछ भी नहीं है एक शरीर दृश्य है और ये चेतन इनका दृष्टा है इनसे सर्वथा पृथक इसलिए अपने आप को शरीर से पृथक शुद्ध चेतन पहचान लेने की आवश्यकता है यदि जीव शरीर के अवयव होता अंग होता तो उन अंगों के कट जाने पर उनका नाश हो जाता लेकिन दोनों पाँव कट गए फिर भी जी रहता शरीर में नाश नहीं होता हाथ कटने पर भी जी का नाश नहीं होता है फिर भी जीवन चलता रहता है या आग दोनों फूट गई या कान दोनों नहीं रहा पुणी जीभ जड़ से कट गई नासा भी नस के जा ढा सारी त्वचा जो शून्य हो फिर भी नहीं मैं नाचता दस नन गिरे तो भी रहा तनसे हमें क्या वास्ता आँखें फुट जाए या आँखों से दिखाई देना बंद हो जाए कानों से सुनाई देना बंद हो जाए जीभ कट जाए नाच नाक की श्रवण शक्ति खत्म हो जाए या वो भी उसका नाश हो जाए त्वचा शून्य हो जाए फिर भी जीव का नाश नहीं होता दफ्तन गिरे सारे दांत एक एक करके गिर जाए फिर भी जीव का नाश नहीं होता जीव इनसे पृथक है इसलिए शरीर के इन अंगों के नहीं रहने पर भी जीव रहता है तो शरीर हमारा क्या प्रयोजन है आती या नस या हार कोई टूट गया पनी जोड़ते एड़ी से चोटी तक ये चंचल देह जड़ के जोड़ते अपने पृथकपन के लिए योंकर कही ये दास था मैं हूँ अकेला सर्वदा तन से हमें क्या वास्ता आँत कट गई नत कट गई हड्डी कोई टूट गई तो उन्हें ऑपरेशन करके जोड़ दिया जाता है एडी से चोटी तक शरीर के अनेक ऐसे अंग हैं जो टूटते फूटते रहते हैं और उन्हें काट पीट करके जोड़ भी दिया जाता है इनमें से जीव कुछ भी नहीं है जी शरीर से पृथक है उसको बताने के लिए सारी बातें कही गई जीव अकेला है सब समय रहने वाला है प्रार्थ व शरीर बन गया लेकिन शरीर के रहने नहीं रहने से जीव का कुछ बिगाड़ नहीं होता है जब ये बात हुई तब पुनः एक ने शंका किया यदि देह से नहीं काम है तब देह को तुम छोड़ दो तब तो से ही पहचान है कोई संत ने हंसकर कहा सुनिए वचन करी गौर है जब चोरी चोरी कर लिया तब जेल खाना है तो किसी ने कहा कि जब आप शरीर नहीं हैं शरीर के अंग नहीं हैं अवयव नहीं हैं तब तुम्हें तो तो देह से कोई काम लेना नहीं चाहिए देह को छोड़ के पृथक हो जाओ तब तब तो हम जाने कि हाँ तुम देह से सर्वथा अलग हो जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से अलग है तो गाड़ी से निकल करके हो जाता है अलग चलाता है बिना ड्राइवर गाड़ी चलेगी नहीं ड्राइवर से गाड़ी चलती है लेकिन ड्राइवर अलग हो जाता है गाड़ी अलग जा हो जाती गाड़ी खड़ी रहती है ऐसे ही यदि आप देह से पृथक हैं तो देश को छोड़ करके के निकल जाओ तब तो माने कि हाँ देह से पृथक और देह से जब पृथक वन ही जा सकता है तब कैसे मान लें कि से, से पृथक है तब संत ने कहा कि देखें हैं जैसे कोई चोर है चोरी कर लिया चोरी करते समय पकड़ा गया या चोरी करने के बाद पकड़ा गया तब उसके फल में उसे सजा हो जाती है जेल चला जाता है अब जेल में बंद है अब चोर ने डेढ़ ली अब से न चोरी करेंगे पर पूर्व के चोरों तो फल भोगे बिना कि मिसरेंगे तो ही विशेष औरतफल जो पूर्वकृत यह देह है इसको विवत भोगन पड़े तंजेल खाना गए। अब चोरी करते समय चोर पकड़ा गया सजा हुई जेल चला गया अब जब जेल चला गया तो चोर वहाँ जा कर के निश्चय कर लेता है कि मैं चोरी किया इसके फल में मुझे जेल हुई अब आगे से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा ऐसा निश्चय कर लिया अब चोरी करना छोड़ दिया लेकिन जो पहले चोरी कर चुका है उसका फल तो भोगना पड़ेगा जेल गया वहा निश्चय कर लिया तो निश्चय करते तो छुटकारा होगा नहीं जितने इनकी सजा हुई है उतने इसकी सजा तो भोगतनी पड़ेगी क्योंकि उस सजा को भोगे बिना छुटकारा हो गए नहीं इसी प्रकार इस जीव ने विषय जरूरत का काम किया विषय मतलब विषय वासना में आसक्त रूपी चोरी किए और उसके परिणाम से जो कर्म संस्कार बने उसके फलस्वरूप देह का निर्माण हो गया इसलिए जब देह का जो निर्माण है प्रारब्ध कर्म ये तो विवश होकर के भोगना ही पड़ेगा निश्चय कर लिए अब आज से हम किसी विषय को ग्रहण नहीं करें कोई गलत आदत नहीं बनाएंगे लेकिन पहले आदत बना ली है पहले आसक्ति संस्कार है तो वो तो भोगना पड़ेगा क्योंकि प्रारब्ध है प्रारब्ध का नाश ज्ञान से नहीं होगा प्रारब्ध का नाश तो भोग से ही होगा आगे उसे मतलब पुनः शरीर पे जेल खाना में नहीं आना पड़ेगा जड़ता विषय अध्यात्त चोरी न अब से कर रहा इससे न फिर तन भोग हो संचित समन निज पद लहा आवागमन छुटकार ही परिभाव तन है रास्ता इससे मैं यह निश्चय करूं तन से हमें क्या वास्ता जड़ता विषय का कृत चोरी अब करना बंद हो गया अर्थात पूर्वक विषयों को ग्रहण करना अब बंद हो गया है अब कोई सकाम कर्म नहीं हो रहा है तो अब आज वर्तमान में आसक्ति नहीं है कोई सकाम कर्म नहीं है तब आगे शरीर धारण रूपी जेल खाना का सेवन नहीं करना पड़ेगा संचित का नाथ हो जाएगा जीव अपने आप में स्वरूप में स्थित हो जाएगा आवागमन से छूट करके आवागमन से छुटकार ही प्रिभावतन है रास्ता आवागमन से छूटने के लिए शरीर का तिरस्कार शरीर का तिरस्कार का मतलब देह की आसक्ति का तिरस्कार कर दिया देह की आसक्ति जब तक बनी है तब तक आवागमन का चक्र चलता रहेगा क्योंकि देह की आसक्ति है तब तक उसके लिए शुभाशुभ कर्म उसके लिए नाना विषयों को ग्रहण तो संस्कार बनते रहेंगे और आवागमन चक्र चलता रहेगा आवागमन का जो चक्र है तो उसे छुटकारा पाना है तो परिभाव तन है रास्ता एक रास्ता है तन का परिभाव तन का तिरस्कार तिरस्कार तन का तिरस्कार शरीर की आसक्ति सरहिमान का तिरस्कार उसका त्याग शराधान शरीर का हिमान नहीं रह गया सर आसक्ति नहीं रह गई तो कर्म संस्कार बनेंगे नहीं फिर इससे यह निश्चय कर लेना चाहिए कि जब शरीर की आसक्ति का त्याग हो गया तब तो आगे शरीर का की प्राप्ति नहीं होगी फिर शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाएगा मैं नित्य अविचल शांत अविनाशी स्वयं अविकार हूं पांचों विषय तंद्रश्य से बेलाग हो निर्धार हूं जैसा कथन तैसी रहन तब साफ मेरा रास्ता मंजित अब सुखिया हुआ से हमें क्या रास्ता प्रत्येक घट में मैं कहने वाला जो चेतन है वो नित्य है अविचल है शांत है विनाशी है स्वयं अपने आप है और अविकार निर्विकार है पाँचों विषय शरीर दृढ़ जगह से सर्वथा पृथक निराधार असंग और इसके लिए काम करना होगा जैसे ज्ञान की बातें कही जाती है वैसी रहनी तब रास्ता साफ होगा ज्ञान की बातें कह लिए सुन लिए आचरण वैसा नहीं है तब फिर भटकना बंद नहीं होगा फिर तो तमाम प्रकार के उलझन बने रहे जैसा कथन है वैसा रहन जब होगा तब रास्ता साफ होगा तब दुखों से छुटकारा होगा मन जीत लिया विवेक द्वारा विचार द्वारा संयम साधना द्वारा जिन्होंने अपने मन को सोबत कर लिया निर्मल कर लिया वो सुखिया हो गया सब समय के लिए जिनका मन उस उस उनके वश में हो गया उसके लिए कोई दुख रही नहीं गया क्योंकि मन का भटका बंद सब समय के लिए सुखिया फिर उसे अब शरीर से क्या वास्ता रह जाएगा वर्तमान शरीर उसका अंतिम शरीर हो जाएगा आगे शरीर संबंध रहेगा ही नहीं छंद चालीस यह देह महादुख रूप सदा इस छंद में यह बताया गया है कि शरीर धारण करके जीव को कैसी कैसी विवस्थता कैसे कैसे पर, कै, कितने कितने प्रकार के रोग शरीर में आते हैं और कैसे उनको विवस्थता पूर्वक उनको भोग करना पड़ता है उसके अलावा भी और कैसे कैसी विवस्था है कैसे कैसे दुख इस शरीर में जीव को सहना पड़ता है कहो पीनस रोग वो आँख फूटे कहो छाला पड़े कहो दांत टूटे कहु जीभ में रोग वो कान मुदा यह देह महादुख रूप सिदा कहीं पीनस रोग है पीनस रोग नाक का रोग जिसमें गंध सुगंध का कोई ज्ञान नहीं होता है गंध ग्रहण की शक्ति समाप्त नाक से गंधग्रहण होता है अब कोई ऐसी जगह हम चले गए कि भयंकर दुर्गंध है लेकिन नाक में गंध ग्रहण की शक्ति नहीं है तो पता नहीं चलेगा तो वो हवा अंदर जाएगी और रोग का कारण बनेगी। तो पीनस कहीं किसी को पीनस का रोग है तो किसी की आँख फूटी हुई है किसी के शरीर में अजीब में छाला पड़े हुए हैं तो किसी के दांत टूटे हुए हैं किसी की जीभ में स्वाद ग्रहण की शक्ति नहीं जीभ में रोग है तो किसी को कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है इस प्रकार से देखो तो ये शरीर महादुख रूप है सदा के लिए तमाम रोग मिर्गी पिलपाव पाँव वो शूल सले बढ़े कहाँ आती गले कहो पंगुल लूल वो कुष्ठ रदा यह देह महादुख रूप सदा किसी को मिर्गी की बीमारी है किसी का पील पाँव है पील पाँव कहते हैं फील पाँव तो है लेकिन कहा जाता है पील पाँव का अर्थ है फील का अर्थ होता है हाथी हाथी जैसा पैर हो जाता है फील पाँव तो कहीं शरीर में और दर्द है कहीं अंडकोष की वृद्धि है कहीं किसी की आँत गल गई है आठ में भोजन पचन शक्ति नहीं रह गई कोई पंगुला है कोई लूला है किसी के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है हाथ पाँव कंगुलियाँ गल गई है शरीर के अंग गल रहे हैं इस प्रकार से यह देह सदैव महादुख रूप है जड़ जुड़ी वो है जो चढ़े झुंझुनी वो तामून वो जो चेचक माही फनी कहूँ कंपन वायु हिले तनदा यह देह महादुख रूप सदा किसी को ज्वर है किसी को जुड़ी आती है हमेशा शरीर का ठंड से कांपता रहता है कहीं हैजा है कहीं झुंझनी शरीर में, में कंपन रहता है झुंझनी चढ़ती रहती है कहीं तामून प्लेग है कहीं चेचक है इस इसी में विनाश हो रहा है कहीं हाथ पैर के कंपन हैं और शरीर बराबर हिलता रहता है इस प्रकार से देखें तो शरीर महादुख रूप है परमेह वो मेह भकंद भयो कहूँ खांसी दमा वो जलन धरे यो तलफे बिलले झगड़े ममदा यह देह महादुख रूप सदा कहीं प्रमेह है शरीर के धातुओं का अनेक प्रकार से गल गल करके पेशाब इंद्र द्वारा बाहर निकल जाना प्रमेह और कहीं भकंदर रोग बवासीर का जो बढ़ा हुआ रोग हो जाता है द्वार के आसपास पास भकंदर नासुर जैसा हो जाता है घाव जिसमें जिसमें बड़े छेद हो जाते हैं फिर उसमें रक्त मवाद बहता रहता है कहीं खांसी है कहीं दमा है कहीं जलंधर है जलंधर पेट में पानी भर जाना पेट के नीचे जो चमड़ी है उसमें पानी भर जाना उसे सिर रोग हो जाता है तमाम प्रकार से रोग जीव तलपता है में, बिल बिलाता है इधर लड़ाई झगड़ा अहंता ममता बना करके लड़ाई झगड़ा में पड़ा रहता है इस प्रकार से देखो यह देश सदेह दुख रूप ही है उन्माद वो फालिज़ संग्रहणी कहूँ पीड़ित पेट रतौंधी बढ़ी कह प्लेग तिजारी वो दाद फंदा यह देह महादुख रूप सदा कहीं उन्माद आ गया पागल जैसा काम बाद होने लग गया कहीं फालिज मार दिया एक अंग पूरा उधर फालिज मार दिया उधर का अंग बेकार कहीं संग्रहणी संग्रहणी बिना पचे ही भोजन का मल द्वार से निकल जाना से संग्रहणी है ऐसा रोग है कहीं पेट में दर्द है उससे पीड़ा है कहीं रतौंधी है रात में दिखाई नहीं पड़ती है कहीं प्लेग आ गया कहीं हैजा है और है कहीं प्रकार से तिजारिया रोग कहते हैं तमाम तो रोग है इसमें कहीं दाद है कहीं खुजली है दे महादुख रूप है गलकंठ कहूँ कहूँ नाहर हुआ रोजदाह कहूँ कहूँ डामर हुआ पित बात है राज व रोग कफा यह देह महादुख रूप सदा कहीं गलकंठ गला फूल जाता है तो कहीं नाहरुआ नहरुआ, नहरुआ नारू रोग नारू रोग नहरुआ ये प्रायः कहते हैं कि ये नारू रोग गर्म देश के निवासियों को होता है इसमें शरीर के निचले हिस्से में फूंसी हो जाती है जिसमें इस लंबे लंबे लम्बे रेशम जैसे निकलता रहता है अब क्या क्या हो तो वो ही जाने डॉक्टर लोग बताएंगे इसको कहीं शरीर भर में जलन है और कहीं डामरुआ अभी डामरुआ कौन रोग है ये तो वैद्य बताएंगे कहीं पित्त की वृद्धि है कहीं बात की वृद्धि है कहीं राज रोग राज रोग कहते हैं रोग प्राय कहा जाता था डायबिटीज को टीबी टीबी को भी कहते हैं लेकिन इसको भी कहते हैं राज रोग है अरे संग्रह अर तो राज रोग का मतलब है जो लोग राजा लोगों को हो उसको कहते हैं राज रोग पहले जो गरीब जो गरीब रहते थे से उसको अब तो गरीबों को हो किसी सब को हो रहा है पहले गरीब लोग खूब मेहनत करते थे उनको डायबिटीज हो की बीमारी होती नहीं थी राजा हैं बैठे बैठे खा रहे हैं बस क्या होगा तो उसको राज रोग टी को भी कहते हैं कहीं कफ का रोग है इस प्रकार से देह महादुख रूप बावसीर कहूँ कहूँ धातु नशे रुज शुद्र से निपात ग्रस्त है खुजली रुज बाल अनेक लदा यह देह महादुख रूप सदा कहीं बाबासी है किसी को कहीं किसी के धातु गलगर करके निकल रही है कहीं शरीर में कोई छिद्र हो गया है कहीं सन्निपात हो गया किसी कोई सन्निपात रोग से ग्रस्त है किसी शरीर भर में खुजली हो रही है खुजली का रोग किसी शरीर में बड़े बड़े बाल उग गए या किसी के बाल ही नष्ट हो गए अनेक दुख कहूँ फोड़ा नासूर सुजाक दुखे पथरी सिर दर्द वो जीभ सुखे बौरा बलहीन असह दुखदा यह देह महादुख रूप है कहीं शरीर में फोड़ा हो गया कहीं नासुर हो गया नासुर भी क्या पुराना घाव जिसमें बड़ा छेद हो जाता है जहाँ से रक्त मवाद बहता रहता कहीं सुजाग सुजाग पेशाब में जलन और पेशाब इंद्री में पीड़ा होना उससे भी धातु गल करके नष्ट होना इस प्रकार से रोग है कहीं पथरी है कहीं सिर दर्द है कहीं किसी की जीव सूख गई कोई पागल हो गया कोई बलहीन हो गया कोई असह दुख से पीड़ित है इस प्रकार देखो तो शरीर महा दुख रूप ही है कहूँ हाथ कटे कहूँ मूड़ फूटे कहूं ठेह लगे कहूं कांट चुभे कहूं आग जरे वो डूबे जलमा यह देह महादुख रूप सदा कहीं किसी कारण से किसी के हाथ कट गए किसी के सिर फूट गया कहीं किसी को ठोकर लग गई कहीं का कहीं काटा चुभ गए कोई कहीं आग में जल गया तो कोई पानी में डूब करके मर गया तमाम प्रकार का दुख इस शरीर से लग में लगा हुआ है कहूँ सिंह वो बीछी जो सरपडस है महिषा वृष्भा बहु जंतुग्रत है कहूँ काटत छेदत जात रुदा यह देह महादुख रूप सदा कहीं जंगली जानवर सिंह भालू आदि से पीड़ा तो कहीं किसी को बिच्छी, बिच्छी ने काट दिया कहीं किसी को सांप ने डस लिया कहीं भैंस बैल या अन्य जंतु मार देते हैं खदेड़ते रहते हैं इनसे ग्रस्त रहे लोग कहीं किसी को कुत्ता ने काट दिया किसी ने और कुछ कर दिया कहीं काटत छेदत जात तुर्जा किसी ने काटा किसी ने छेदा कहीं कुछ शरीर में और कट पिट गया इससे रोग हो गया कहूँ अन्न नहीं कहूँ वस्त्र फटा कहूँ पीड़ित राज वो गेह टूटा कहूं घाम वो प्यास जरे से शुधा यह देह महादुख रूप सजा कहीं ऐसा है कि किसी के पास खाने के लिए अन्न नहीं दो तीन तीन दिन तक भोजन बिल्कुल ही नहीं मिलता है कहीं किसी के वस्त्र ही नहीं है वस्त्र फटा हुआ है कोई किसी और रोग से या किसी प्रकार दर्दता से पीड़ित है किसी का घर टूट गया है घर ही नहीं रहने के लिए कहीं धूप से कोई पीड़ित कहीं ठंड से पीड़ित कहीं प्यास से पीड़ित कहीं भूख से पीड़ित अभी कहीं क्या हर जी के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है शरीर धारण करके लिए सदर कबीर ने कहा तन धर सुखिया काम ने देखा जो देखा तो दुखिया अमुक रोग अमुक के शरीर में नहीं आएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई रोग किसी भी शरीर में भी आ सकता नहीं आया तो सौभाग्य है लेकिन नहीं आएगा ये नहीं कहा जा सकता अब तक तो नहीं आया लेकिन आगे आ सकता है आज तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं बचपन से ही हार्ट का रोग है उसे हार्ट में छेद है बचपन से ही बच्चा बच्चा पैदा हुआ कैंसर है बच्चा पैदा हुआ टीबी है डायबिटीज है तो शरीर धारण करके दुख से कौन बच सकता है वे भूख प्यार ठंडी गर्मी ये तो सहन करना है पड़ता है मच्छर भूनगा से काटना छेद कौन बच सकता है कहू द्रव्य रहे तो लड़े झगड़े ही चोर और डाकू विनाश करे पुणी दूत दरोगा भले जबदा यह देह महादुख रूप सदा कहीं पैसा नहीं है तो उसके लिए दुखी है कहीं पैसा बढ़ गया किसी के तो उसके लिए लड़ाई झगड़ा छीना झपटी घर वाले बाहर वाले रात रिश्तेदार सब उसे छीना झपटी में लगे हुए हैं अधिक पैसा है तो चोर डाकू आकर के लूट लेते हैं और हुआ तो सरकार तमाम प्रकार टेस्ट लगा करके ले लेती है नहीं तो ज़बरदस्ती छापा डाल करके ले लेती है जैसे ज़रूरत पड़ते हैं तो इस प्रकार से देखो जब पैसा हो तब तो और ना हो तो दोनों में दुख है पैसा नहीं है तो भिन्न प्रकार का दुख पैसा है तो चिंता कैसे बचाएँ घर वालों से बाहर वालों से रिश्तेदार से जो डाकू से सरकार से कैसे बचाएँ अब इस चिंता में भयभीत इस चिंता से दुखी कहाँ दुख से बचा है ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि गरीब आदमी दुखी है धनवान को दुख नहीं है गरीब का दुख अपने किस्म का धनवान का दुख दुख अपने किस्म का कहूँ नारी बिना तड़फे डह के कहु नारी मिले दबसो दह के कहो पुत्र अपुत्र जले बहुधा यह देह महादुख रूप सदा कितने ऐसे लोग हैं युवक है सोचते हमारी शादी नहीं हो रही है युवती है वो सोचती है कि हमारी शादी नहीं हुई है बिना शादी के जल रहे हैं वो कहीं ऐसे हैं किसी को को पत्नी तो मिली लेकिन मन के अनुकूल पत्नी नहीं मिली जैसे सुंदर सुंदरी पत्नी चाहिए वैसे सुंदरी पत्नी नहीं मिली कोई युवती है स्त्री है तो जैसा सुंदर पति चाहिए वैसा पति नहीं मिला और किसी को ऐसे मिल गया तो स्वभाव बड़ा गड़बड़ स्वभाव के नहीं मिलता रूप तो सुंदर है लेकिन मन बहुत खराब है उससे पीड़ित है वह एक एक बात पति पत्नी ऐसा बोलते हैं कि सुनकर के पति पत्नी एकदम पीड़ित जैसे बिना आग के जलना हो जाता इस ढंग से है कहीं पुत्र हो गए तो उससे पीड़ित क्योंकि पुत्र बात नहीं मानते कहीं पुत्र नहीं है उससे पीड़ित हर दुखी हर आदमी अपने पुत्र वाले भी दुखी पुत्र जिनके नहीं वो भी दुखी बस सोचने का तरीका गलत है इसलिए दुनिया के संपत्ति से या दुनिया के प्राणियों के मिलने से किसका दुख दूर हुआ है हाँ जिसके बाद विवेक है वही सुखी है बस बिन विवेक सब कोई दुखी पढ़ अपढ़ मन है बिना विवेक के पढ़ हो अपढ़ हो विद्वान हो अनपढ़ हो सब दुखी है क्योंकि सब मन के चक्कर में पड़े हुए कहूँ काम वो क्रोध जो लोभ घने कहु मोह व तृष्णा वो आस जने कहो राग वो देश में जाए फंदा यह देह महादुख रूप सदा कहीं कोई काम की वासना से जल रहा है तो किसी तो कोई क्रोध में जल रहा है तो कोई किसी में कोई लोभ में जल रहा है कोई मोह के बसीबत होकर दुखी है कोई आशा तृष्णा में पड़ा आशा तृष्णा की धारा में पड़ करके आशा तृष्णा की आग में जल रहा कहीं पर कोई द्वेष का बंधन बना करके बंधा हुआ है द्वेष के जलन अनुकूलता में राग प्रतिकूलता में द्वेष फिर उसमें पार से भय और चिंता और पता नहीं कैसे कैसे मनोव्याधि शारीरिक व्याधि है मानसिक व्याधि है दोनों प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक अमुक चीज दुनिया के की मिल जाती है तब दुख दूर होगा जिनके पास है वो भी दुखी जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है मूल कारण अघ कर्म के कारण दुख पड़े तब भूत जो देवी वो देव भरे ब्रह्म मसान चुड़ैल कदा यह देह महादुख रूप सदा अब दूसरी तरफ से देखो पूर्व जन्म के कर्म फल भोग कब किस प्रकार से उदित हो जाए कहा नहीं जा सकता किसके जीवन में कब कैसी विपत्ति आ जाए कौन बता सकेगा लेकिन पूर्व कर्म के भोग उदित हुए और लगातार कुछ घटनाएं घटती चली गई विपत्ति पर विपत्ति आती गई दुख पर दुख आता चला गया तब अब आदमी सोचता है कि लगता है कि भूत प्रेत परेशान कर रहा है भूत लग गया है या किसी ने हमारे घर में कुछ करवा दिया है टोटका करवा दिया है अब उसको दूर करने के लिए उस दुख से बचने के लिए भूत प्रेत देवी देव, को पूजने के चक्कर में उसको शांत करने के चक्कर में पड़ गए राक्षस, जीन, मसान, चुड़ैल इस सब के भ्रम में पड़ करके भटक रहा है आदमी इन सबको शांत कराने के लिए कहाँ कहाँ जाता है किसके किसके जाता है कैसे पूजा कराता है सब प्रकार से पीड़ित कहूँ कागज़ माटी मशान पूजे गदिया तकिया बहुत तीर बहु तीर्थ हज कलपे बहुबानी प्रमाण खुदा यह देह महादुख रूप सदा दुख से बचने के लिए कोई कागज के चित्र बना कागज के कागज तो बना कर कर रहे है, कोई 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 तजिया ताजिया बना करके कोई मिट्टी की पूजा कर रहा है कोई संतान में जा कर के कब्र की पूजा कर रहा है कोई गादी तकिया बना करके कोई बहुत तीर्थों में जा कर के, दुख से बचने का उपाय कर रहा है तमाम प्रकार के, के वाणियों का प्रमाण दे दे करके ग्रंथ में लिखा है पुस्तक में लिखा है महात्मा लोग कहते हैं ऐसा वाणियों प्रमाण दे दे करके और फिर भगवान की बनाई बात कहीं कोई भगवान है जो हमें सुख दुख दे रहा है उसकी कृपा पाना है उसके लिए तमाम प्रकार के पूजा पाठ कुल मिलाकर के दुख से बचने के लिए आदमी कितने कितने भ्रम में पड़ता है कितने कितने पूजा मिट्टी पानी चबूतरा आग सब की पूजा कर रहा है नहीं सज्जन संत ने सज्जन संतन संग करे इत ही उत ही भटके जो जरे निजको नहीं खोजत खोजे जुदा यही कारण बाढ़ रही भी पता अब मूल बात भूल क्या है आदमी भूल करके भी सज्जन और संतों की संगत नहीं करता है जिससे पता चले कि हमारे दुख का कारण क्या है यहाँ वहाँ भटकता रहता है जो लोग भटका दे भ्रम कल्पना की बात बता दे फंसा दे उनको मानता है जीव कि हमारे रक्षक हैं सहायक हैं इनकी संगत में रहने से इनके बताए अनुसार काम करने से हमारे दुख दूर हो जाएंगे हमारी विपत्ति टल जाएगी हम सुखी हो जाएंगे लेकिन जो जहाँ से दुख निवृत्ति का रास्ता मिलेगा दुख कारण दुख के मूल कारण के पता चलेगा वो सज्जन और संतों संगत नहीं करता है खुद को नहीं खोजता कि मैं कौन हूं खोजे जुदा जुदा अपना त्राता अपना विधाता अपना कल्याण करता बाहर खोज रहा है इसीलिए विपत्ति पर विपत्ति बढ़ती चली जा रही है सज्जनों की सज्जन और संतों की संगति करता स्वयं को जानता तो इतनी विपत्ति में क्यों पड़ता बाहर अपने सुख दुख का कारण खोजता है बाहर त्राता खोजता है जितना भटकता है उतना ही विपत्ति बढ़ती चली जाती है सपना सम मेल भयो सवही ससुरारी सार दमाद कहीं मित बंध वो सगा वो ददा यह देह महादुख रूप सदा सारा संबंध जिस किसी को पति पत्नी संबंध हो पिता पुत्र का संबंध हो सास शा ससुर का संबंध हो ससुर दामाद का संबंध हो मित्र भाई बंधु रिश्तेदार का संबंध हो सब स्वप्न के समान हैं आँख खुली सपने में मिला हुआ सारा परिवार गायब ऐसे ये भी आँख बंद हुई सब गायब और देखते देखते गायब हो भी रहे हैं और एक दिन सदा के लिए गायब हो जाएगा लेकिन इसी में अहंता ममता कर करके ये जीव रात दिन मानसिक ताप से पीड़ित रहता है मैं अकेले स्वच्छंद स्वशांत स्वयं पर भूल से हाय पड़े विपदम मन शत्रु से हाय किए ममदा यह देह महादुख रूप सदा ये जीव स्वयं अकेला है शांत स्वरूप है पर अपने शांत स्वरूप को न समझ करके भूल से शरीर संसार को अपना स्वरूप मान लेता है प्राणी पदार्थों को अपना मानकर उनमें अधिकार जमाने की चेष्टा करता है बस इसीलिए विपत्ति में पड़ जाता है कहीं अधिकार जमाने की चेष्टा न करें शरीर को अपना न माने विपत्ति में ना पड़े और इधर मन शत्रु धाय किए ममदा जो मन सदैव शत्रु बना हुआ है सदैव भटकाता रहता है उसी मन को अपना मित्र मान लिया गया किए ममता उसी से ममता मोह कर लिया मित्रता कर लिए गए ये हमारा रक्षक है अब मन का काम है भटकाना अब मन का काम जब भटकाना जो शत्रु है उसको मित्र मान लें तो वो क्या वो क्या करेगा ऐसे ऐसे रास्ता बताएगा जिससे हमारी विपत्ति और बढ़ती चली जाए ये हो रहा है भूल से हमने मन को ही अपना मित्र मान लिया और उसी लिए सारी विपत्ति हमें सहन करनी पड़ रही है यह दास बेहाल पुकार करे मन देह की आग से जाये जले गुरु लेह उबार देबोधवरम अवबंधन नाशिको अमरम इतने यहां तक बताया गया कि शरीर धारण कर करके कैसे शारीरिक और मानसिक रोग में जीव पीड़ित होता रहता है सब कोई पीड़ित है जो विवेकी है आत्मसंयमी वही बचे हैं यद्यपि शारीरिक कष्ट प्राप्त भोग उन्हें भी भोगना पड़ता है लेकिन उनका मन पीड़ित नहीं रहता शरीर में जो रोग है उसे पीड़ा तो होती है असुविधा तो होती है लेकिन उससे दुख नहीं होता है दुख तो तब होता है जब उससे मन जुड़ जाता है ये कई बार बात की जाती है कि पीड़ा अलग है और दुख अलग है पीड़ा शरीर से और दुख मन से कोई रोग है ठीक है रोग है उसमें कष्ट हो रहा है दर्द हो रहा है रोग होगा तो दर्द होता है दर्द से बेचैनी भी होती है लेकिन जब हम म, उसको उस दर्द में मन को जोड़ दिए बा चिंतन तो वो दर्द और बढ़ जाए फिर मानसिक पीड़ा फिर परेशानी तो ज्ञानी पुरुष को भी रोग हो जाता है लेकिन ज्ञानी ज्ञानी मानसिक दशा में बड़ा अंतर रहता है इसलिए कहा गया कि देह धरे का दंड है सब काहो को है ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए शरीर धारण करने में रोग आ गया दंड आ गया सबको भुगतना पड़ेगा लेकिन अज्ञानी रो रो करके भुगतता है ज्ञानी ज्ञान से होता ठीक है भाई रोग आ गया है क्या करेंगे समय आया है चला जाएगा मन से पीड़ित नहीं होता है तो यह दास बेहाल पुकार करे मन देह की आग से जाए चले अंत में कहता है कि यह जो दास है शरीर के दुखों से बेहाल होकर के हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में आकर पुकार कर रहा हूँ मैं मन और देह दोनों के आग से जल रहा हूँ शारीरिक ताप तो है ही मानसिक ताप भी है दैहिक दैविक भौतिक ताप इसमें तो हर शरीर धारण कर जितने शरीरधारी है सबको जलना पड़ता है हे गुरुदेव मैं अब आप, आपकी शरण में आ गया हूँ मैं मन और शरीर दोनों की आग में जल रहा हूँ आपसे शरण आकर पुकार कर रहा हूँ आप मुझे बोध दे करके इस जलन से बचा लें आपकी कृपा दृष्टि होगी आपका बोध मिलेगा तभी ये जलना दूर होगा अब बंधन नाश करो अब अमरम है गुरुदेव अब मेरे बंधनों को नष्ट करके जैसा मेरा स्वरूप अमर है वैसा ही मुझे अमर बना दें तो गुरु तो किसी को अमर तो बनाएंगे नहीं गुरु को बोध मिला और बोध का हमने जीवन में प्रयोग किया जैसा हमारा स्वरूप अमर है वैसा वैसे ही अमर रह जाना होगा गुरु मोक्ष देते हैं जो कहा जाता है इसी अर्थ में कि जिसे मुक्त होना है उस जीव के स्वरूप का बोध देते हैं वो मुक्ति का रास्ता बताते हैं बंधन क्या है बंधन काटने को उपाय क्या है ये बताते हैं तो इस बात से मुक्त देते हैं किसी गुरु के पास मुक्ति तो है नहीं कि निकाल निकाल कर दे दे गुरु मुक्ति देते हैं और मुक्ति नहीं भी देते बात दोनों हैं मुक्ति इसलिए दे देते कि, कि उसके पास मुक्ति तो रखी नहीं है कि दे दे गुरु मुक्ति देते सबको मुक्ति दे, दे देते गुरु मुक्ति देते हैं तो तो जिसे मुक्त होना है उस जीव को स्वरूप बता देते हैं मुक्ति का रास्ता बता देते हैं और आदर्श खिला देते हैं इसलिए मुक्ति दे देते हैं तो गुरु की शरण में जाने से ही बोध मिलता है जो गुरु शरण में गया ही नहीं उसे बोध कैसे मिलेगा रास्ता कैसे मिलेगा दुख का कारण का पता कैसे चलेगा अब पता ही नहीं है तो उसके निवारण कैसे होगा इसलिए कहा जाता है कि गुरु तरन तारन होते हैं अपना मुक्त और दूसरों को तारने वाले खास बात यह है कि गुरु द्वारा जो बोध मिला उस बोध का जब जीवन में प्रयोग हम कर लेते हैं तो हमारे बंधन टूट जाते हैं और जैसा ये जी अमर है तो वैसा ही अमर रह जाएगा